हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केलवा के पास पुराना अस्पताल के पास चलती हुई ट्रेवल्स में लगी आग, यात्रियों में मची भगदड़, पुलिस पहुंची मौके पर। यातायात रहा बाधित, आग बुझाने के बाद किया गया यातायात को बहाल। राजसमंद जिले के केलवा में हाईवे पर आज अल सवेरे 70 लोगों से भरी एक निजी ट्रेवल्स बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक घंटे तक धमाके होते रहे, यात्रियों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर SHO शंभु सिंह, ASI जय सिंह, खेमराज सालवी, हेड कांस्टेबल रोशन लाल आदि जाप्ता मौके पर पहुंचा, जहां यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अहमदाबाद से जयपुर जा रही करीब 70 लोगों से भरी ट्रेवल्स बस में अचानक आग लगने के बाद हाहाकार मच गया। पिछले टायर से लगी आग ने देखते ही देखते पूरे बस को चपेट में ले लिया और चालक और खलासी बस को खड़ी कर रफा दफा हो गए। लोग खिड़की तोड़कर दरवाजे से बाहर निकले। आग बुझाने के लिए दमकल पहुंचने के बाद भी एक घंटे तक धमाकों के साथ बस सुलगती रही। फोर लेन पर धू धू कर जलती बस के चलते एक घंटे तक यातायात व्यवस्था भी बाधित रही। अहमदाबाद से जयपुर जा रही ट्रेवल्स बस के राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के फोर लेन पर केलवा के पास पहुंचने पर अचानक पिछले टायर में आग लग गई। पिछले टायर में आग लगने की भनक लगते ही चालक ने बस रोकी और नीचे उतरा। तब तक पूरी बस भभक उठी। इस कारण बस में सवार लोगों में हड़कंप मच गया और लोग बचाओ बचाओ चीखने और चिल्लाने लगे। कुछ लोग खिड़की के कांच तोड़कर बाहर निकले तो ज्यादातर लोग आगे मुख्य गेट से बाहर गए। एक बारगी चौतरफा लोगों की चीख और चिल्लाहट और रोने बिलखने की आवाज गूंज उठी। फिर आसपास से बड़ी तादाद में लोग मौके पर पहुंचे, पर तब तक आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। सूचना पर नगर परिषद राजसमंद से दमकल मौके पर पहुंची और करीब 5:30 बजे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए, मगर तब तक आग बेकाबू हो गई। इस कारण पटाखों के धमाकों की तरह आवाज के साथ ट्रेवल्स बस धू धू कर जलती रही। बस में रह गए मोबाइल, रोड, रुपए। अचानक ट्रेवल्स बस में आग लगने और अफरा तफरी की वजह से लोग हड़बड़ा कर रह गए और जैसे तैसे बाहर निकले। इस कारण कई यात्रियों के मोबाइल, रुपए, पर्स, बैग सरीके कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आग की भेंट चढ़ गए। हालांकि ये राहत की बात रही कि आग लगने के बाद भी कोई जनहानि नहीं हुई। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।